नेक पैटर्न है वो मिंत्रा से अच्छा है। इस महासंग्राम में कौन जीता, मिंत्रा जीता या मीशो जीता, कि मिंत्रा यहाँ पर मात खाने वाला है। इनमें सच में अराउंड 600 to 700 रुपीज का डिफरेंस है। हाय गाइस, दिस इज वर्षा मेघानी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे जब भी कुछ चाहिए होता है, मैं कभी मिंत्रा चेकआउट करती रहती हूँ, कभी मीशो चेकआउट करती रहती हूँ, और मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको सेम इमेज मिलेगी बट प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि एक जमीन पे होता है और एक आसमान पे होता है। अब उस टाइम पे ये समझ नहीं आता कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस ले रहे हैं या फिर अपने प्लेटफॉर्म के लाइक गुडविल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, क्योंकि मिंत्रा पर तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और मीशो पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब ड्यूप ही वो बनाते हैं। बट अगर वो ड्यूप अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में मिल जाए फिर तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। इसीलिए मैंने सेम आइटम्स दोनों प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किए हैं। सेम ही कुर्ता सेट मैंने मिंत्रा से भी ऑर्डर किए हैं और मैंने मीशो से भी ऑर्डर किए हैं, और इनमें सच में अराउंड 600 to 700 रुपीस का डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों का ट्राई ऑन दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आपको मिंत्रा से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या मीशो से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी अगर ज़्यादा पैसों में मिल रही है तो भी ठीक रहती है, बट अगर कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाए फिर क्यों हमें मिंत्रा ट्राई करना है। और मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने हर जगह अपना ही पैसा लगाया है, तो बिल्कुल भी बायस जो है मेरा वर्डिक्ट नहीं रहने वाला है। सो अब ज्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये प्रोडक्ट्स मेरे पास काफी टाइम से है और इनको मैंने ढंग से ओपन करके भी नहीं देखा, ये बिल्कुल पेटी पैक पड़े हैं, मतलब ऊपर से मैंने बस देख लिया था कि सही आइटम है या नहीं, अंदर से मैंने इसको बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया कि सही आया है या नहीं आया है। तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, फिर इसको ट्राई करूंगी और आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगी कि इस घमासान युद्ध में जो कि हम मिंत्रा वर्सेस मीशो करने वाले हैं उसमें आखिर जीतता कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किसके साइड हैं, मिंत्रा के साइड हैं या मीशो के साइड हैं, या फिर बाद में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन जीता। चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल व्हाइट कुर्ता से, और ये मैंने पहले भी मिंत्रा से ऑर्डर किया था और काफी लाइक अराउंड 1700 to 1900 रुपीज का वहां पे अवेलेबल था, और उसके कुछ टाइम बाद में मुझे ये सेम आइटम मीशो पर दिख गया। मीशो पर सेम फोटो लगाते हैं बट आइटम थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है, इसीलिए सेम आइटम मैंने मीशो से भी ऑर्डर कर दिया ताकि मैं आपको चेक करके बता पाऊं कि आपको मिंत्रा से ट्राई करना चाहिए या मीशो से ट्राई करना चाहिए। एंड इसमें मुझे लग रहा है, मतलब देखने से लग रहा है कि मिंत्रा यहाँ पर मात खाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। जस्ट लुक एट दिस, और कहाँ क्या कमी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, कितनी अमेजिंग एम्ब्रॉयडरी है, और ये पहनने पर भी काफ़ी अच्छा लगता है। साइड में आपको ये लेस डिटेलिंग मिलेगी, आपको स्लीव्स में कुर्ते की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, और अंदर आपको वाइट कलर की लाइनिंग मिल जाएगी जिससे कि कोई सी थ्रू का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नीचे आप देखोगे नीचे भी आपको कुछ इस तरीके की ये लेस डिटेलिंग, मतलब एम्ब्रॉयडरी है। बात करूं अगर बैक की तो बैक एकदम प्लेन है और नीचे के साइड भी ब्लैक में आपको बैक में कुछ आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको मिलती है कुछ इस तरीके की पैंट, बेसिक व्हाइट पैंट है, ऊपर इलास्टिकेटेड बैंड है, और नीचे आपको सेम वही एम्ब्रॉयडरी की एक लेस डिटेलिंग मिल जाएगी। इस कुर्ता सेट के साथ में आपको कुछ इस तरीके का दुपट्टा मिल जाएगा, काफी ज्यादा कलरफुल है। हैंड साइड में आपको चारों तरफ ये टासेस मिल जाएंगे बट इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो कम है। अब ओपन करते हैं मिंत्रा का सेम पैकेज। तो ये रहा मेरा मिंत्रा का कुर्ता सेट, एंड लुक एट द एम्ब्रॉयडरी। अगर आप इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छे से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल मतलब 18-20 का डिफरेंस लगेगा। मीशो की एम्ब्रॉयडरी कुछ 18 के साइड पे है और इसकी 20 पे है, बट प्राइस डिफरेंस है अराउंड आपको 700 से 900 का प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा। बट इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो काफी अच्छी है, कि स्लीव्स मीशो वाले से काफी ज्यादा चौड़ी है, मतलब थोड़ी सी चौड़ी है। और इनकी एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एम्ब्रॉयडरी ज्यादा क्लियर है, नीचे कुछ इस तरीके की प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, उसमें ये आपको फ्लावर्स बने हुए नहीं मिलेंगे, उसमें छोटे छोटे से सर्कल थे मीशो में, और मिंत्रा में आपको इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स मिल जाएंगे। और एम्ब्रॉयडरी इसकी फिर से कहूंगी इसकी ज्यादा क्लियर है, और पीछे इसमें भी आपको कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी, पीछे से ये एकदम प्लेन है। और अगर बात करूं मैं फैब्रिक क्वालिटी की तो फैब्रिक क्वालिटी में भी 19-20 का ही फर्क है। अगर आपको प्राइस डिफरेंस चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप मीशो से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी मैं फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती क्योंकि इसको मैंने भी पहना नहीं है, पहन कर दिखाऊंगी मीशो वाले को फिर बताऊंगी। इसकी पैंट में आपको आगे बेल्ट वाला चीज मिलेगा और पीछे इलास्टिकेटेड बैंड मिलेगा। पैंट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और नीचे आपको कुछ इस तरीके का
डिटेलिंग मिल जाएगा। दुपट्टा में काफी ज्यादा फर्क है क्योंकि इसका दुपट्टा काफी अच्छा है, काफी ज्यादा चौड़ा है, काफी ज्यादा लंबा है और टैसल्स भी काफी अच्छे से लगा रखे हैं, उसमें चीप लग रहा था तो इसका दुपट्टा जो है यहाँ पर मात दे रहा है मीशो को। अब मैं आपको इसको पहनकर दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि इस महा संग्राम में कौन जीता, मिंत्रा जीता या मीशो जीता। दोनों ही कुर्ता सेट देखने में बिल्कुल सेम है, इवन फैब्रिक क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, बस 19-20 का ही फर्क है। बात करूँ अगर दुपट्टा की तो मिंत्रा का दुपट्टा आपको एकदम फुल साइज में मिल जाएगा, वहाँ पर मीशो का दुपट्टा जो है उसका साइज थोड़ा सा कम है जिसके कारण थोड़ा सा चीप लग रहा है, लेकिन इनमें जो प्राइस डिफरेंस है वो आराम से 700 से 900 रुपए तक का है, जबकि इसमें बिल्कुल माइनर ही डिफरेंसेस हैं। बात करूँ अगर एम्ब्रॉयडरी की तो मिंत्रा की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी फिनिशिंग से हो रखी है, वहाँ पर मीशो की एम्ब्रॉयडरी जो है वो मिंत्रा से एकदम मतलब कॉपी की है बट थोड़ा कहीं से रह गए। नेक डिटेलिंग की बात करूँ तो नेक डिटेलिंग भी मुझे मिंत्रा का ज़्यादा पसंद आया, बट अगर आपको ज़्यादा पे नहीं करना है, आपको 600 से 900 रुपये ज़्यादा पे नहीं करने हैं तो आप डेफिनेटली मीशो का ट्राई कर सकते हैं, बट मीशो का जो पैंट था वो मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा टाइट पैंट थी विच इज़ वाई बिल्कुल अनकम्फर्टेबल था। आप कौन सा चूज़ करेंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी ब्रांड का नेम है कालिनी और ये कुछ इस तरीके का बांधनी कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है जिसका नेक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, कुछ इस तरीके से है। आगे पूरे में ये वर्क हो रखा है, सीक्वेंस का वर्क है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है और नेक पैटर्न भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आपको पीछे भी सेम चीज़ मिल जाएगी और मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था और स्मॉल में ही मुझे रिसीव हुआ है, कुछ इस तरीके का कुर्ता है। अंदर आपको लाइनिंग मिल जाएगी जिससे सी थ्रू का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी और यहाँ पर आपको सेम ही लेस डिटेलिंग मिल जाएगी। अंदर कुछ इस तरीके का आपको लाइनिंग मिल रहा है और लाइनिंग का कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि चुभेगा वगैरह। तो पूरा कुर्ता जो है प्लेन है, बस ऊपर ही आपको इसमें कुछ ये वर्क वगैरह मिल रहा है। इसके साथ में मिलता है ये ब्यूटीफुल दुपट्टा जो कुछ इस तरीके से है, लहरिया मतलब दुपट्टा है और उसके साइड में बहुत ही प्यारा सा ये थ्रेड डिटेलिंग एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग हो रखी है जो कुछ इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक कुर्ता काफ़ी प्लेन है, उसमें जो चार चांद ऐड करेगा वो ये दुपट्टा है और दुपट्टे की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, लंबाई चौड़ाई एकदम प्रॉपर है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस दोनों तरफ में आपको ये लेस डिटेलिंग वाला चीज़ मिलेगा। तो दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में आपको मिल जाता है ये ट्राउज़र जिसपे आपको आगे ये बेल्ट डिटेलिंग मिलेगी, पीछे इलास्टिकेटेड बैंड है और इसमें पॉकेट भी है, एक तरफ तो पॉकेट है और दूसरी तरफ पॉकेट नहीं है और नीचे आपको ये लेस डिटेलिंग मिलेगी जैसा कि आपको नेक पे मिलता है। तो इसका क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आया, इसका अराउंड मैंने 1400 रुपीस पे किया है। अब चेकआउट करते हैं मीशो वाला और मीशो पर इसके लिए मैंने पे किए हैं 895 रुपीस, तो अप्रॉक्स 500 रुपीस का डिफरेंस है। एंड अगर मैं बात करूँ कलर की तो कलर डिफरेंट है, मतलब वहाँ पर काफ़ी आपको ब्राइट येलो मस्टर्ड येलो कलर रिसीव हो रहा है और यहाँ थोड़ा सा मुझे डल लग रहा है इसका कलर, बहुत ही कम डिफरेंस है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही वाला बांधनी वाला चीज़ है। और कपड़े की बात करूँ तो कपड़ा मुझे मिंत्रा का ज़्यादा बेटर लगा, अंदर आपको सेम लाइनिंग वगैरह मिल रहा है, एकदम सेम है, बस कलर का डिफरेंस है और हल्का फुल्का सा मतलब मैं कहूँगी कि कपड़े का भी डिफरेंस है। और इसका जो लेस डिटेलिंग है इसमें भी फ़र्क है, लेकिन मिंत्रा वाले में आपको कुछ इस तरीके के ये थ्रेड के फ्लावर्स नहीं मिले हैं और इसमें आपको ये फ्लावर्स मिल रहे हैं जो कि एडिशनल है। और इसके साथ में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके की पैंट, पूरे में आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिल जाएगा आगे पीछे और कुछ इस तरीके से सेम लेस डिटेलिंग मिलेगी। तो इसमें भी मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे लगा नहीं, केवल थोड़ा सा दुपट्टा में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हल्का हल्का फ़र्क है, बट इसको अब मैं पहनकर दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि इस युद्ध में कौन जीता, लाइक इसमें मीशो जीता या मिंत्रा जीता, बाकी आपके हिसाब से कौन जीत रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप बताते जाना। दोनों कुर्ता सेट के नेक डिटेलिंग इवन लेस डिटेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, इवन जो दुपट्टे पे वर्क किया गया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। मीशो वाला का जो वर्क है वो उतना फिनिशिंग से उतना क्लैरिटी से नहीं किया गया। इन दोनों कुर्ता सेट का जो कलर है उसमें हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, मीशो वाला थोड़ा सा डल येलो है एंड मिंत्रा वाला थोड़ा सा ब्राइट येलो है। अगर फैब्रिक क्वालिटी की बात करूँ तो फैब्रिक क्वालिटी दोनों ही कुर्ता सेट की काफ़ी अच्छी है, दोनों के फैब्रिक क्वालिटी में केवल 19-20 या 18-20 का फ़र्क है, लेकिन मिंत्रा का जो दुपट्टा है वो मीशो वाले से ज़्यादा अच्छा है।
अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा कि मीशो का कौन सा है एंड मिंत्रा का कौन सा है, बट इनके प्राइस में अराउंड 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मुझे मीशो एक क्लियर विनर दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन आपके हिसाब से विनर है। I have this kurta set from the brand Kalini और इसका मैंने अराउंड 1163 रुपीज़ पे किया है, बट अब इसका प्राइस अराउंड 1700 to 1800 हो गया है। इसमें आपको कुछ इस तरीके का नेक पैटर्न मिलेगा, सेम वही जैसा मैंने लास्ट दिखाया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है, वैसा ही इसका नेक डिटेलिंग है, कुछ उस तरीके का ही इसमें आपको ये लेस डिटेलिंग बोल सकते हैं और सीक्वेंस वर्क है। और इसमें आपको कुछ यहाँ तक मतलब वेस्ट तक आपको ये लाइनिंग मिलेगा, अस्तर मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपको ये लेस डिटेलिंग मिल जाएगा जो कि पीछे नहीं है, सिर्फ आगे ही है, ये लेस डिटेलिंग पीछे नहीं है। बाकी एकदम प्रॉपर प्लेन वाइट कुर्ता है और इसके साइड में लाइक इसके स्लीव में भी आपको सेम वही ये लेस डिटेलिंग मिल जाएगा। इसका जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, काफी ज्यादा बढ़िया है। सो कुछ इस तरीके की आपको इसमें पेंट मिलेगा, आगे आपको बेल्ट वाला चीज है, पीछे आपको ये इलास्टिकेटेड बैंड मिलेगा। एंड वन मिनट, यहाँ पर ये हल्का सा कलर लगा हुआ है तो थोड़ा सा डिफेक्टिव है। और नीचे आपको कुछ इस तरीके का ये लेस डिटेलिंग मिल जाता है। और कपड़ा मैं फिर से बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें इन्होंने जो चुन्नी दिखाई थी वो पिंक कलर की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट यहाँ पर मुझे ये रेड कलर की रिसीव हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये मैं मीशो का ओपन कर रही हूँ, बट ये मीशो नहीं है, ये मिंत्रा का ही है। तो आई वुड से कि अगर ये पिंक कलर का जैसे इन्होंने दिखाया था, मतलब पिंक कलर का दुपट्टा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी लग सेम ही रहा है, बट पिंक कलर का मुझे चाहिए था। तो ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, ये बांधनी वर्क में है और यहाँ आपको कुछ इस तरीके का लेस डिटेलिंग मिलेगा। काफ़ी बढ़िया लंबा चौड़ा आपको दुपट्टा इसमें मिल रहा है और बीच बीच में ही आपको हल्के हल्के से एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो ये मतलब 1100 के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है, 1700 रुपये मतलब 1800 रुपये में थोड़ा सा महंगा है। तो हम ओपन करते हैं मीशो वाला और देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो मीशो वाले का मैंने पे किया है 758 रुपीज़। एंड वन मिनट, इसका जो नेक पैटर्न है वो मिंत्रा से अच्छा है। फॉर माई सरप्राइज, लुक एट द नेक डिटेलिंग, मिंत्रा वाले से ज़्यादा पसंद मुझे इसका लेस डिटेलिंग आया है। मैं आगे से आपको और बता दूंगी। और इसमें भी काफ़ी बढ़िया सा ये आपको ये लेस डिटेलिंग मिलेगा। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर भी एक दाग मिल रहा है, तो दोनों में ही एक एक दाग मुझे मिला है, तो मैं दोनों को ही नंबर नहीं दे पा रही। और इसमें भी सेम है, आपको हाफ में अस्तर मिल रहा है, हाफ में नहीं मिल रहा है। और नीचे भी आपको ये कुछ इस तरीके से लेस डिटेलिंग मिलेगा। तो प्रॉपर पूरी तरीके से मीशो जो है कॉपी कर लेता है, इवन कपड़ा भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके साथ में आपको कुछ इस तरीके का पैंट मिलेगा। अब मिंत्रा में जो पैंट है वो आगे आपको प्लेन मिलता है, इसमें मीशो में आपको पूरे में इलास्टिकेटेड बैंड मिल रहा है, बस ये इतना सा फर्क आ रहा है। और नीचे आपको इसमें भी ये लेस डिटेलिंग वाला चीज़ मिल रहा है और इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बट इन्होंने जहाँ मात खाई है वो है इनका दुपट्टा। इतना बेकार दुपट्टा दिया है, उसका दुपट्टा मतलब इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। और ये देखो कितना बकवास दुपट्टा है, मतलब कैमरा में देखने पर इतना ख़राब नहीं लग रहा है, बट अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो डल है और मिंत्रा वाले का जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट है। लंबाई चौड़ाई इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बट हाँ प्राइस में डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस अराउंड 1000 रुपीज़ आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने मिंत्रा से सस्ते में मंगा लिया, बट अब भी 1700-1800 रुपये में अवेलेबल है। बाकी इसको जब पहनेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर इनमें से कौन जीत रहा है। मुझे लग रहा है कि मीशो जो है इतना भी मात नहीं खा रहा है, जितना वो पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर कॉपी प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं। तो इसको मैं पहन के दिखाती हूँ कि इनमें कौन जीतता है। और अगर आपको ये वाला अगर आपको मिंत्रा वाला 1100 में मिलता है ना, तो फिर आप उसके लिए जाना, क्योंकि 200-300 रुपये में बहुत ही बढ़िया आपको दुपट्टा भी मिल रहा है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको ट्रायल में बताती हूँ। दोनों कुर्ता सेट के नेक के लेस डिटेलिंग अलग अलग है, बट मुझे मीशो का लेस डिटेलिंग ज़्यादा पसंद आया। अगर बात करूँ इनका फैब्रिक क्वालिटी की, तो फैब्रिक क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, केवल 18-20 या 19-20 का ही फ़र्क है, जबकि प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों सूट में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऐड कर रहा है वो है मिंत्रा का दुपट्टा। मिंत्रा का दुपट्टे की लेंथ, विड्थ सब कुछ काफ़ी अच्छी है, इसका कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, वहीं पर मीशो का दुपट्टा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है। अगर मैं मीशो के आउटफिट पर मिंत्रा का दुपट्टा वेयर कर लूँ तो एक बार के लिए मुझे खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मीशो का आउटफिट कौन सा है।
लेकिन इनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। मीशो वाले के लिए मैंने 758 रुपीस पे किया है, जहां मिंत्रा वाले के लिए मैंने 1163 रुपीस पे किया है। अगर इस प्राइस में मिंत्रा से मिलता है तो काफ़ी बेस्ट है, बट अब मिंत्रा वाले का प्राइस बढ़ चुका है जो कि 1800 हो गया है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्लियर विनर आपको कौन लगता है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं मिंत्रा से, और इस बार मेरे पास ये रेड कुर्ता पेंट सेट है और इसका ब्रांड है गोसरी की, एंड ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आपको अमेजोन पे या फिर मिंत्रा पे आप कहीं भी देखेंगे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कुर्ता सेट मिल जाते हैं। और इसका मैंने अराउंड 823 रुपीज़ पे किया है, जो भी होगा मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। एंड जो मैंने मीशो से लिया है वो 500 समथिंग का है, तो ज़्यादा कुछ प्राइस डिफरेंस है नहीं, वैसे अराउंड 200-300 तो चलता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट रेयन मटेरियल में है ये, और इस पे पूरे पे कुछ इस तरीके का बांधनी प्रिंट है, और इसका नेक डिटेलिंग भी बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा सा आपको यहाँ पे लेस डिटेलिंग मिल जाएगा। काफ़ी सोबर है कैजुअल वेयर के लिए या फिर छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे समर के अकॉर्डिंग। इसके साथ में आपको मिल जाता है ये पैंट, और इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाएगा, एक तरफ तो पॉकेट है, हाँ एक ही तरफ पॉकेट है। कुछ इस तरीके का इलास्टिकेटेड बैंड वाला पैंट मिलेगा। पैंट का फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और एकदम प्लेन है, कुछ भी इसमें कहीं भी कुछ डिटेलिंग नहीं है, एकदम सोबर पैंट है। और इसके साथ में आपको मिलता है ये दुपट्टा, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है। साइड में आपको सेम फैब्रिक का कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत लेस डिटेलिंग मिल जाएगा, गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, और ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो क्वालिटी के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिर्फ आपको अराउंड 823 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है, और अगर मिंत्रा पे सेल वगैरह लग जाती है तो और भी डिस्काउंट्स पे आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं मीशो का, जिसका मैंने अराउंड 500 समथिंग रुपीज़ पे किया है, और अगर इसमें कुछ मतलब 18-20 का ही फ़र्क रहा तो आई वुड से कि मिंत्रा ज़्यादा बेटर है। और यहाँ मुझे कपड़े से ही पता चल गया कि मिंत्रा का कपड़ा बहुत बेस्ट है, और ये मुझे उतना खास नहीं लगा। मतलब एक थोड़ा सा ना कड़क कड़क सा फैब्रिक, और ये वाला जो था बहुत ही सॉफ्ट बढ़िया फैब्रिक था। आई वुड से कि ये थोड़ा सा कॉटन साइड पर है, वो थोड़ा सा रेयन साइड पर है, तो अगर आपको कॉटन में चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से है, प्रिंट वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट। और अगर ये लेस डिटेलिंग की बात करूँ तो इसमें भी हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे से कॉपी किया है मीशो, वेल डन। इसके साथ में आपको मिलता है ये पैंट, पैंट भी काफ़ी अच्छी है, पैंट मुझे इसका पैंट का कपड़ा काफ़ी अच्छा लगा, और ये भी सोवर प्लेन पैंट है रेड कलर की, लेकिन इसके दुपट्टे ने जो तो इसको मात दी है, क्या बकवास दुपट्टा भेजा है। जस्ट लुक एट दिस, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, और आई थिंक इसकी बिल्कुल भी लंबाई नहीं है, ओनली चौड़ाई ही है, और बिल्कुल गंदी सी ये गोटा पत्ती की डिटेलिंग दे रखी है। तो इसमें तो बिल्कुल 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 विनर रहेगा मिंत्रा, क्योंकि मिंत्रा पे आपको इतने कम प्राइस में बढ़िया क्वालिटी मिल रही है, प्लस इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कम प्राइस में ये वाला दुपट्टा चलता है तो आप ये भी ले सकते हैं। बाकी मीशो पर इवन सेम ही आइटम आपको कोई 200 में दे देगा, कोई 400 में देगा, कोई 600 में देगा, कोई 800 में देगा, कोई 1000 में देगा, तो वहाँ भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। बाकी इसमें मुझे मिंत्रा का ज़्यादा पसंद आया। बाकी मैं आपको इसका ट्राई ऑन दिखाती हूँ, पेन का दिखाती हूँ कि इस युद्ध में कौन विजेता होता है। दोनों कुर्ता सेट का नेक डिटेलिंग एकदम सेम है, इवन जो लेसेस का डिटेलिंग है वो भी काफ़ी सेम है। इनकी फैब्रिक क्वालिटी की बात करूं तो मिंत्रा वाला थोड़ा सा रेयन साइड में है और मीशो वाला थोड़ा कॉटन साइड में है, बट मुझे मिंत्रा वाले की फैब्रिक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी समझ के अकॉर्डिंग। बात करूं इनके दुपट्टे की तो मिंत्रा वाले का दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, वहाँ पर मीशो वाला दुपट्टा थोड़ा चीपर साइड पर लग रहा है, जबकि इनके प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 250 या 300 रुपये का डिफरेंस है, बट मिंत्रा पर आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें डेफिनेटली मैं मिंत्रा वाला चूज़ करूँगी। आप कौन सा चूज़ करेंगे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एक बड़ा सा लाइक दे देना, और ये भी बताना अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो एकदम कमेंट सेक्शन भर ही देना, तभी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको कौन विनर लगता है, मीशो विनर लगता है या मिंत्रा विनर लगता है, या फिर आपको मेरे डिसीजन से लाइक आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर डिफरेंट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं और वीडियो और ऐसे और वेडिंग कंटेंट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी भी मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया कुर्ता सेट एकदम आउट
आउटफिट्स मंगवाए हैं फॉर दिस वेडिंग सीजन, जिसका हॉल जल्दी लाइव करूंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you.